रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है और अभी एक टीम जस्ट जीत करके वापस आई है और दूसरा मैच होने की तैयारी में लोग लग गए हैं। कमेंट्री भी चल रहा है और सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, मतलब हल्लम गुल्ला का माहौल है, काफी ज्यादा क्राउड है, कमेंट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, काफी मजा आ रहा है लोगों को। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, काफी स्टूडेंट लोग यहाँ पे खड़े हैं। ये एग्रीकल्चर ने कंडक्ट कराया था, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। अभी टॉस वहाँ पे चल रहा था, टॉस कोई जीता है, टॉस कौन जीता आपको कैमरामैन को मालूम चला टॉस कौन जीता? तो टॉस कोई भी जीता हो, और लाइन से वहाँ पे बैट्समैन भी खड़े हुए हैं और ट्रॉफी वॉफी भी दी जा रही, ट्रॉफी भी दी जाएगी ना यार, दी तो जाएगी ही, हर चीज़ के लिए ट्रॉफी देते हैं तो इसमें भी देना ही चाहिए। और ये एग्रीकल्चर, इनसे भैया से मिलाएं क्या? ये कुछ देखते हैं, कुछ बताने वाले हैं। भैया क्या ये स्टूडेंट हैं हम यहाँ के? हाँ, बीएचयू के स्टूडेंट हैं हम। क्या हो रहा है ये? ये एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग 2022 हो रहा है। अच्छा, तो ये मतलब कौन 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 खेल है? बस एग्रीकल्चर वाले ही हैं? एग्रीकल्चर बीएससी फर्स्ट ईयर से लगा के पीएचडी फाइनल तक के सारे, और एलुमनाई जो यहाँ से पास आउट हो गए वो भी सारे स्टूडेंट यहाँ पर है। अच्छा, और बहुत अच्छा एपीएल हो रहा है, ये थर्ड सीजन है एपीएल का। बीएचयू के ट्विटर हैंडल पे अगर आप चेक करेंगे तो एग्रीकल्चर ने भी ट्वीट किया था, एलुमनाई आए हैं बहुत, 40-50 साल के एलुमनाई हैं और हॉस्टल में यादें ताजा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कैंटीन में घूम रहे हैं, ग्राउंड में घूम रहे हैं, उसी की याद में हो रहा है ये एपीएल। बीएचयू अपने एलुमनाई का ख्याल रखता है बढ़िया। बिल्कुल। और स्टूडेंट का कितना ख्याल रखता है? स्टूडेंट का तो रखता है, देख रहे हैं कितना बड़ा। कितने दिन का ये? 6 दिन का प्रोग्राम है ये? नहीं, ये 15 दिन का प्रोग्राम है। 10-15 दिन का प्रोग्राम है ये ना। ये जो कई तरीके के ड्रेस हैं, कितने टीम बनाए गए टोटल? टोटल इसमें 8 टीम है। 8 टीम बना दिया गया है? 8 टीमें बना दी गई। और हमारे सर है अरुण वर्मा सर। सर कुछ इनाम भी है छात्रों को दिया जाएगा? हाँ, इस टीम की ये खासियत है, ये एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग है, इसमें कुल 8 टीमें हैं, पूरा आईपीएल की तर्ज पे एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग हो रहा है, इसमें पूरी टीम की बोली लगी है, फंड रेस करने के लिए, गेम कराने के लिए टीम की बोली लगी है। उसमें सबसे बड़ा इस खासियत है, इस हर एक टीम में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, हमारे जस्ट पास आउट एलुमनाई और टीचर्स हर टीम में है, हर टीम में 2 टीचर कंपलसरी है। इसमें एलुमनाई भी खेल रहे हैं? हाँ, इसमें हमारे एलुमनाई भी है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट ग्रेजुएशन को जाने, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पीएचडी को जाने, और अपने एलुमनाई जो अच्छे अच्छे पोजीशन पे, जो अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं वो जाने, और साथ में टीचर्स रहे ताकि डिसिप्लिन भी बना रहे। हर टीम में 2 टीचर हैं और हर टीम को टीचर के साथ रखना कंपलसरी रखा गया है, और ताकि एक टीचर भी साथ में खेल रहे हैं। हाँ, टीचर भी खेल रहे हैं। अभी जैसे टीम थी ये देखिए, हमारे संदीप सर है, अभी मैं भी हूँ, मेरी टीम अभी बैटिंग करने जा रही है स्पार्टन, इस समय पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों हमारी टीम के पास है, चिंपा के पास। लीड कौन सी टीम इस समय कर रही है? अभी कल तक लीड स्पार्टन कर रही थी, लेकिन फिर उसके बाद हेलिको इस समय नंबर 1 पे है। हेलिको, ये हाँ, सब भारी बरकम नाम। हाँ, ये सब नाम जैसे आप दे सकते हैं, अल्फांसो 11, स्पार्टन, कोरियन वॉरियर्स, म्यूटेंट, कोबराज, स्टार, राइजिंग स्टार्स, इस तरह करके 8 कंपनियां हैं। इसमें हमारा केनरा बैंक ने और SBI ने, अरे केनरा बैंक ने और श्री ब्रेकर्स ने और पराग डेरी ने और कलेवा पापड़ ने इसको स्पॉन्सर्ड किया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों ने स्पॉन्सर? हाँ, स्पॉन्सर किया, और कुछ बच्चों ने भी अपना अपना 200-200 रुपया कुछ बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है। प्लस इस टीम को आईपीएल की तर्ज पे ऑक्शन हुआ है, उससे भी जो है हमने अर्न किया, उसका ऑक्शन का एक वीडियो भी हमारे पास है, उसको भी हम चाहेंगे शेयर कर देंगे। पैसा सबसे ज्यादा दिया आपने छात्र को? अभी छात्रों में सबसे महंगी टीम इसमें बिकी है स्पार्टन, जो की 10,000 में बिकी है, जिसका ओनर मैं हूँ। पूरा मिला करके 10,000 सबका? नहीं नहीं, एक टीम का 10,000, एक टीम, बाकी कोई टीम 3,000 में बिकी, कोई 4,000 में बिकी, कोई 5,000 में, बोली में 5 रुपए से बोली शुरू हुई थी। मुझे लगा सर एक किसी छात्र का 10,000? नहीं, छात्र का तो मात्र 100-200 रुपया, जैसे एंट्री फीस अपना करा के, खेलने के लिए अपना फीस जमा करा के, बाकी यहाँ पे डायरेक्टर सर की तरफ से भी हम लोग को सपोर्ट मिला है और ICI की तरफ से फंड सपोर्ट मिल के, ये डे नाइट टूर्नामेंट पहली बार कराया जा रहा है, ये बच्चों का खेल के साथ, जो हमारे महामना पंडित जी का, जो मोहन जी मालवीय जी का, जो हम लोग कसरत कर नाम, तो पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद भी जरूरी है, क्योंकि कोविड पीरियड से बच्चों के अंदर एनर्जी एकदम खत्म हो गई थी, उसके लिए बहुत जरूरी था कि कम से कम इसको जो है बच्चों ने मोटिवेशनल, और सब बच्चे। अच्छा, ये टाइमिंग भी हमने केवल 5 से रात को 8 बजे तक रखी है, 9 बजे तक रखी है, कि 5 बजे हमारा क्लासेस खत्म हो जाती है। अच्छा। बच्चे पढ़ाई के बाद आए, आराम से एंजॉय करें इसको। और सर एग्रीकल्चर बहुत सारा काम करे, किसान मेला भी एग्रीकल्चर ने करवाया और बहुत सारी चीजें हुई, मतलब
एक एक्टिव जो कैंपस में सारे फेस्टिवल हो रहे हैं, एग्रीकल्चर एकदम करा रहा है अच्छे से, तो सर क्या लगता है कि ये टीम जीतेगी अभी? हाँ, अभी इस दोनों टीम में है, अभी हम जहाँ तक उम्मीद है स्पार्टन आज जीत जाएगी। स्पार्टन अल्फांसो 11 में है, अभी तक स्पार्टन का रिकॉर्ड देख के ये कहा जा सकता है कि आज की विनिंग टीम मोस्ट प्रोबेबली स्पार्टन होगी, क्योंकि पर्पल कैप और ऑरेंज कैप दोनों स्पार्टन टीम के पास है। अच्छा, ये पर्पल कैप और ऑरेंज कैप क्या होता है? जैसे आईपीएल में जानते हैं जो सबसे मैक्सिमम रन करता है उसको ऑरेंज कैप, और सबसे ज्यादा विकेट लेता है उसको पर्पल कैप मिलता है। तो हमारे अभी हमारे परसों के मैच में आपको एक बताया, एक हमारे प्लेयर है स्टार प्लेयर चिंपा, उन्होंने जो है एक मैच का हाईएस्ट स्कोर परसों बना था 112 ओवर में 123 रन। कितने ओवर का हो रहा है ये? टोटल 12 ओवर का हो रहा है, तो 12 ओवर में 123 रन उन्होंने मात्र 6 ओवर में मैच खत्म कर दिया, 127 रन 6 ओवर मार दिया अकेले उन्होंने जो है 23 बॉल पे 92 रन मार के मैच को पलट दिया। 23 बॉलों में 92 रन, मतलब आईपीएल में होना चाहिए, एपीएल में नहीं होना चाहिए उनको। लेकिन बहुत ही साफ है, आज उनका बैटिंग आप देखेंगे, अभी वो उतरे हुए हैं इस समय हाँ, ये नॉन स्ट्राइकर साइड में वो है। अच्छा, चिंपा बढ़िया खेलते हैं चिंपा। हाँ, वो नॉन स्ट्राइकर साइड में है, अभी आप उनके लंबे लंबे छक्के चाहे तो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अभी वो देखिएगा आपको लंबे लंबे छक्कों से आप लोग को मोहित जरूर करेंगे। वो इतना, ये क्या कौन सा बॉल है ये? हम लोग कैनवस बॉल, लेदर नहीं है ना ये? नहीं, कैनवस बॉल से, क्योंकि बच्चे लोग हैं किसी को चोट भी ना लगे, क्योंकि हम लोग टीचर्स लोग भी हैं तो हम लोग तो इसलिए ऐसा रखा गया कि हर लोग फ्रेंड, लेदर में लिमिटेड हो जाता है, हर कोई नहीं खेल पाता, बहुत ज्यादा हार्ड होता है और चोट लगने की मतलब प्रोसेस ज्यादा बेतीजा है थोड़ा उसका। तो सर ने सब कुछ बताया, यहाँ पे एपीएल मैच चल रहा है, काफी अच्छा कमेंट्री भी हो रही है। सर आप अपना नाम? हम असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, क्या नाम है सर? डॉक्टर तरुण वर्मा। तरुण वर्मा, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, काफी फ्रैंक हैं आप, मतलब डिपार्टमेंट भी ऐसे ही फ्रैंक है। डिपार्टमेंट भी अपना फ्रैंक है और अपने डिपार्टमेंट में भी सब लोग एग्रीकल्चर आप देखेंगे एक राइजिंग स्टार की तरह काम कर रहा है उसमें हर फील्ड में। अभी हमने साहस प्रोग्राम कराया था, अभी हमने सिस्टी कल्चरल एक्टिविटी भी कराई थी, हमने कोविड के बाद बच्चों को एनर्जी करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ भी हम लोग हर चीजों में एक्टिविटी बच्चों को, हर चीजों में कल्चरल एक्टिविटी भी, वेस्ट मटेरियल से बढ़िया बढ़िया क्राफ्ट डिजाइन बनाने का, फिर हमने अभी कबड्डी बास्केटबॉल कराया था, अब ये हम टूर्नामेंट अगर ये करा रहे हैं डेनेट टूर्नामेंट। सर का डिपार्टमेंट भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, दो बीटेक प्रोग्राम डेयरी साइंस और भी एग्रीकल्चर में चलते हैं। दो बीटेक प्रोग्राम, बीटेक इन डेयरी साइंस, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी चल रहा है, साथ में हमारे यहाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि अब एक प्रोडक्ट है काफी फेमस है आपके पेपर में भी कई बार, भामना प्रसादम, यह मालवी पेड़ा बनाते हैं जो कि भविष्य में आप मंदिरों में आप देखेंगे, बीटी पे खुलने वाला था ये, बीटी में खुलने का, कोविड की वजह से चीजें बंद हो गई, बच्चे आज भी बना रहे हैं, जो लोग आते हैं डिपार्टमेंट से ले जाते हैं, आज भी बना था, कल भी, लेकिन सर बहुत सीमित सीमा में बनता है। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को मेन इसमें अर्न वाई लर्न, बच्चों को लर्निंग, बच्चों को इसमें टीचर्स कुछ नहीं कर, टीचर केवल गाइड करता है, बच्चे ही बनाते हैं, बच्चे ही बेचते हैं। खरीदना हो तो मैं एक महीना दो महीना पहले बुकिंग कराऊं तो मुझे वो पेड़ा खाने को मिलेगा, आप खाना चाहेंगे? दो महीने से बुक कराए वो पेड़ा, बिल्कुल क्यों नहीं खाना चाहेंगे। बीएचयू का होगा तो मैं एक साल बाद भी खा लूंगा भाई। नहीं नहीं, आप अगर चाहेंगे तो मैं आपको कल ही खिलाऊंगा, आज भी, कल भी बना था, आज भी बनाया, कल भी बनेगा हमारा पेड़ा, आइसक्रीम, पनीर, छेना, घी, सब प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छा। और सब मतलब आप धीरे धीरे बच्चों को, चूंकि वन वाइन लर्न वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, स्कोरर के पास आपको बैठना चाहिए, हाल में लोग या थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मिलकर अच्छा लगा। इनसे हम पहले मिल चुके हैं SRK हॉस्टल, SRK सर्वपल्ली राधाकृष्णन हॉस्टल में, बैठ के एंट्रेंस एग्जाम भी साथ में दिया था ना? तो एंट्रेंस निकल गया? हाँ, यहाँ तो निकल ही गया है। किस कोर्स का एंट्रेंस दिया? MSc सोयल साइंस में लिए। सोयल साइंस, मजा आ रहा है सोयल साइंस? एकदम मजा। APL के बेस्ट कमेंटेटर हैं। अच्छा, आप भी कमेंट्री कर रहे हैं क्या? जी हाँ, कुछ कुछ मैचों में तो किए हैं हमने भी। नहीं नहीं, वो तो हम नहीं थे, वो कोई और था। टीम के ऑनर है, उनका मैच चल रहा है। अच्छा, ये आपने टीम के ऑनर है? 10,000 रुपए बोले ये खरीदा गया इसको? नहीं नहीं, वो तो जो बैटिंग कर रही टीम वो 10,000 की है, जो बॉलिंग कर रही टीम वो हमारी है 2900 की थी। 2900 की? हाँ जी। 1,000 से इतना कम क्यों दिया गया? अब वो तो बिडिंग पे जो टीम जितने बिड में चली गई, वो तो ऑक्शन हुआ था प्रॉपर, किसी को नहीं खरीदना था। जब ऑक्शन का जोश आया लोगों के, तब टीमें 10,000, किसी को टीम नहीं बची थी तो खरीदने के लिए। शुरुआत में किसी को था कि नहीं बैठे हैं देखेंगे खरीदेंगे नहीं, पर जब बोली लगती गई जोश बढ़ता गया। चाहिए तो मतलब, और आ गया हमारे काफी लोग इंस्पायर हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे मेन कोऑर्डिनेटर, थर्ड ईयर के छात्र।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल राम है। अनिल राम है, क्या आपका क्या रोल है अभी इसमें? मैं मेन कोऑर्डिनेटर हूं और हम लोग चार लोग हैं मेन कोऑर्डिनेटर में, थर्ड ईयर के बीएससी है जी, थर्ड ईयर से, जिसमें मैं अनिल राम, रमन कुमार, आशीर्वाद लेंका और संदीप सिंह बिसेन हैं। अच्छा, इतने लोग आप लोग टोटल हैं, क्या मतलब एंजॉय कर रहे हैं लोग एकदम? हाँ हाँ, काफी एंजॉय कर रहे हैं लोग। एक दिन में कितना घंटा पूरा होता है पूरा गेम? दो मैच, चार घंटे में। वीकडे के दिन मंडे टू सैटरडे दो मैचेस होते हैं, एक 5 से 7, दूसरा 7 से 9, और संडे के दिन हम 5 मैचेस रखते हैं। सुबह 7 बजे से शुरू होता है, पहला सुबह 7 से 9, फिर 9 से 11, फिर लंच ब्रेक होता है, फिर 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9। तो संडे को 5 मैच, बाकी सभी दिन 2 मैच। तो लगभग ये सुविधा है यहाँ पे। आपसे दोबारा मिलकर के अच्छा लगा। काफी उत्साहित है, क्या लगता है जीतेंगे? लगता तो है कि जीत जाएंगे, जीतना चाहिए। अब देखिए मैच है, क्रिकेट है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कोऑर्डिनेटर क्या बोलते हैं इधर? कैसी परफॉर्मेंस इनकी, प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी थी इनकी? टीम पिछले बार की टीम चैंपियन है, इस बार भी अच्छी कर रही है। सीजन 2 में हम लोग अल्फोंसो 11 चैंपियन रही थी, अभी भी 2-3 में से एक मैच जीते हैं, दूसरा चौथा मैच चल रहा है हमारा। तो आपकी टीम कितनी मैच जीत चुकी है अभी तक? जी 3 मैच हुए, उनमें से हम 1 मैच जीते हैं, और हाँ जी 2 मैच हम हार गए, और ये चौथा मैच हमारा चल रहा है। उम्मीद है कि हम आज भी जीतेंगे। आज अगर हार गए तो क्या कुछ कहीं से निकाल दिए जाएंगे क्या? नहीं नहीं, निकाले नहीं जाएंगे, ये तो अभी राउंड रॉबिन चल रहा है अभी, यानी कि सारी टीमें बाकी सारी टीमों से 1-1 मैच खेलेगी। तो जैसे कि 8 टीमें हैं, तो 1 टीम बाकी 7 टीमों से 1-1 मैच खेलेगी, तो अभी तो कोई नहीं निकलेगा। फिर जब सारे मैचेस हो जाएंगे, उसके बाद टॉप 4 टीमें, जैसे IPL में क्वालिफायर के लिए टॉप 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, उस तरह से क्वालिफाई करेंगे। सबसे लास्ट वाला कब है, किस दिन को है? देखिए हमारे लीग मैचेस जो है वो 4 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे क्वालिफायर शुरू होंगे जो कि 5 और 6 को है। काफी बढ़िया व्यवस्था है, कोविड के बाद तो पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा। बहुत परिश्रम किया हमने, मतलब इसको कराने के लिए, यूनिवर्सिटी खुलने के बाद काफी जल्दी हमने फंड कलेक्ट करना शुरू किया। 10 दिन में हमने लाइटिंग का फंड कलेक्ट किया है अपने अलुमनीज द्वारा। हमारे स्पॉन्सर हैं श्री बेकर्स और कैनरा बैंक हमारे स्पॉन्सर हैं, सर बता रहे थे। हाँ, तो वो उन लोगों ने स्पॉन्सर किया। फिर हमने अपने अलुमनीज को कॉन्टेक्ट किया जो बाहर जॉब में है, जो खेले हैं इस ग्राउंड, जिनका इस ग्राउंड से इमोशन है, तो उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाया इतना जल्दी। जैसे ग्राउंड काफी वेल मैनर्ड में बनाया भी गया है, काफी अच्छा है। कोशिश किया है हमने इस ग्राउंड को, अगर आप पहले देखे होंगे तो पहले से हमें बदलाव दिख रहा होगा आपको ग्राउंड। BSc फर्स्ट ईयर वाले भी होंगे इसमें? हाँ, पूरी टीम, जितने भी लड़के हैं हॉस्टल्स में, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर PhD लास्ट ईयर तक, इंक्लूडिंग प्रोफेसर हर एलुमनाई को भी। हाँ, एलुमनाई भी है, और इंक्लूडिंग हर टीम में 3-2 प्रोफेसर भी है। हमारे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, फैकल्टी मेंबर हो, एलुमनाई हो, वो हर लोग इस लीग में खेलने के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हम खेलना चाहते हैं या फिर इस लीग से किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे ओनर हो, चाहे सिर्फ वो चंदा ही देना चाहते हो अपने जूनियर्स को प्रमोट करने के लिए, जो जिस तरह से जुड़ना चाहे वो इस लीग से जुड़ा है। आप बस अगर हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, आप APL का हिस्सा बन सकते हैं। APL वेल मैनर्ड, एकदम बढ़िया लग रहा है देख करके, मजा आ गया। मैं BHU में ऐसा कुछ पहली बार देख रहा हूँ 4 साल बाद, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे लोगों से बात हुई और ये सामने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इन्होंने स्पॉन्सर किया है APL को। APL क्या? एग्रीकल्चर का प्रीमियर लीग जी। और ये हैदराबाद गेट पे भाई कैसे चलाते हैं ये? हमारी शॉप है BHU हैदराबाद गेट पे। हाँ। जैसे ही आप लेफ्ट साइड में निकलते हैं श्री बेकर्स वहाँ मिलेगा आपको। क्या नाम है आपका? सूरज मिश्रा जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, जैसे कि मैं कोई कुछ कंडक्ट करा रहा हूँ जी बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ कि कोई स्पॉन्सर मिले, तो ये क्या प्रोसेस है? आपके पास बस यूं ही चले आना है कि कुछ प्रोसेस है इसका? नहीं बिल्कुल, देखिए स्पॉन्सरशिप का मतलब क्या होता है, एक प्रमोशन के लिए हम, मतलब एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक मोटिवेशन बस, तो हम लोगों की हेल्प से जो भी मीडिया है या लोग हैं, सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन ही इवेंट को ऑर्गेनाइज कराता है। भाई बच्चों की वजह से हम हैं और हम लोग रहेंगे तो फिर बच्चों का गेम अच्छी तरह। तो मतलब अगर मुझे आपसे स्पॉन्सर लेना है तो हम आपके पास आएं, आपको कुछ स्टॉल लगाएंगे और? बिल्कुल। कई लोग तो सिर्फ पोस्टर लगाते हैं, लेकिन हम सर्विस भी देते हैं, हमारा सर्विस सेक्टर है, हमारा फूड सेक्टर है। यहाँ जो चीजें अब यहाँ बच्चे गेम खेल रहे हैं, अब उनको प्यास लग गई तो कहाँ जाएंगे, भूख लग गई कहाँ जाएंगे। अच्छा। तो हम इसलिए लगाते हैं। अब जैसे बाकी कोई सेक्टर है तो उनका पोस्टर ही उनके लिए सफिशेंट है। हम चाहते हैं डायरेक्ट बच्चों के पास जाना, बच्चों लोगों से मिलना।
उनके टच पब्लिक इंटरेक्शन ज्यादा, बस बस उनसे मिलना, लोग हमें जाने और हम उनको जाने। सोसाइटी हमारी क्वालिटी, हमारा बेसिक क्या है फंडामेंटल की प्रोडक्ट की क्वालिटी, और लोग श्री बेकर्स को केवल क्वालिटी की वजह से जानते हैं। तो वो सैंपल है, चीजें हमारी लाइव प्रेजेंट हैं, लोग आएंगे खाएंगे। तो ये प्लेयर्स अभी अगर आएंगे वहाँ से तो क्या ये पैसे देकर के ही ले जा सकते हैं कि विदाउट मनी? पेड सर्विस है, पेड सर्विस है, पेड सर्विस है, ये स्टॉल पे पेड सर्विस है। धन्यवाद मिश्रा जी, थैंक यू। बच्चे काफी सच्चे और कितने मासूम अच्छे दिख रहे हैं। और क्या बाबू कैसा लगा आकर के बताओ? अच्छा, अच्छा लगा। क्रिकेट लोग बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं देख करके, मतलब लगता नहीं कि हम और आगे आ गए यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आगे? आगे आगे मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं क्रिकेट खेलूंगी। क्रिकेट खेलोगी? क्रिकेटर तो नहीं बन जाओगी तुम? क्रिकेटर बनोगी? ओ माय गॉड, इंजीनियर बनूंगी। इंजीनियर? इंजीनियर बनोगी? पापा ने बोला बनने के लिए इंजीनियर के अपने मन से बनोगी? मम्मी बोली। मम्मी बोली। अब इसकी बारी है, तुमको क्या बनना है? तो सर केनरा बैंक से सर हैं, सर ने स्पॉन्सर किया है एपीएल को। एपीएल जो ये क्रिकेट पीछे हो रहा है उसका नाम है, आईपीएल जैसा ही कुछ है। तो सर क्या सोच के आपने फंड किया कुछ इसको? नहीं, इसका मेरे से बहुत पुराना संबंध रहा है, बीएचयू से हम लोग बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। एलुमनाई नहीं कहेंगे, हमारा मतलब एज ए बैंकर हम इनसे बहुत पुराने संबंध रहे हुए हैं। तो हमने यही सोच के यहाँ पे स्पॉन्सरशिप किया है कि आगे भी हम इनके साथ लगातार जुड़े रहें, परस्पर संबंध के, परस्पर संबंध हमारा आपका बना रहे। तो बच्चों का, और इवन मैं खुद एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट होने के नाते प्रिविलेज ज्यादा आपने दे दिया इस टॉपिक को, प्रिविलेज देना चाहिए कि इनको सपोर्ट करना चाहिए एज ए बैंकर भी एज ए एग्रीकल्चरिस्ट भी, दोनों से लगाव था। तो इसलिए मैंने एज ए बैंकर, हाँ एज ए स्पॉन्सर, आपको मतलब क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे गेम्स क्या स्पॉन्सर करने चाहिए लोगों को? मनोबल बढ़ता है इससे लोगों का? जरूर, ऐसे स्पॉन्सर्स गेम करना, गेम को स्पॉन्सर्स करने से सबसे ये है, एक तो इनका मनोबल बढ़ता है, और अभी जो आप देखते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो भी एथलीट होते हैं सब, हमारा क्या होता है कि कहीं हरियाणा कहीं पंजाब या बाहर के लोगों से ही वो चीज़ें निकल के आती हैं। हमारे इस साइड से जो कि यूपी बिहार के बहुत नॉमिनल लोग होते हैं, तो अगर इस तरह के हम लोग इनको प्रोत्साहित करेंगे तो कहीं ना कहीं और अच्छी चीज़ें निकल के आएंगे और अच्छे निखर के आएंगे, और उसका लाभ हमारे कहीं देश को मिलेगा। तो ये जो सरकारी जो हम बीएसयू हैं उसमें हम एक सीएसआर एक्टिविटी के तहत हम इनको प्रमोट कर सकते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा है ये वातावरण देकर के, अच्छा लगा आपने छात्रों को स्पॉन्सर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल पे भी आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताया नहीं बेटा, क्या करोगे बड़े होकर के? देखो मैं बड़े होकर के एरोप्लेन चलाना चाहता हूँ, तुम क्या करोगे बताओ? बताओगे? नाम तो बता दो। इसका नाम है क्या? तुम क्या बनोगी बताओ? मैं बड़े होके बनूंगी पुलिस। पुलिस? क्यों पुलिस बोला? मुझे पसंद है। मैं डर गया सुन करके। मैं इंजीनियर बनूंगी। तुम्हें पसंद है? मैं डर गया सुन करके, बताओ मुझे डर क्यों लगा होगा? पता नहीं। मैं बनूंगी इंजीनियर। इंजीनियर? आपने बताया आप इंजीनियर बनेंगी। मैं जॉब करूंगी। कहाँ पे, कैसा जॉब करना चाहती हो? ऐसे जॉब करना चाहती हूँ। ये चलिए, तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए हिमांशु मिश्रा को आप लोग प्रेम देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।